एसएसपी कार्यालय के गेट पर पुलिसकर्मियों के सामने रोता हुआ दिखाई दे रहा यह वृद्ध किशनलाल है, जो कि ग्राम मुखराई हाल निवासी यमुनापार रामनगर में अपने परिवार के साथ रह रहा है। पीड़ित वृद्ध के साथ धोखाधड़ी हुई और वह इसी शिकायत लेकर आज आया है और धोखाधड़ी किसी और ने नहीं उसके पुत्र द्वारा की गई। आरोप है कि लाइसेंस रिन्यू कराने के नाम पर पावर ऑफ टोनी अपने नाम करा ली, फिर बेशकीमती जमीन को हड़प लिया। बुजुर्ग किशनलाल के बड़े बेटे विनोद एवं उसकी पत्नी का कहना है कि उनके भाई ने फीता के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर धोखाधड़ी की और 6 बीघा जमीन अपनी पत्नी के नाम और बाकी जमीन को बेच दिया। इस मामले में थाना सदर में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित गंभीर में मुकदमा दर्ज है, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके चलते 18 तारीख को उसके भाई के अलावा जिन लोगों ने जमीन खरीदी है वे जमीन पर निर्माण कराने के प्रयास कर रहे हैं। जब उन्होंने विरोध किया तो उन लोगों ने किशनलाल और विनोद पर हमला कर दिया, मारपीट की और फायरिंग की, जिसमें वे बाल बाल बचे। इससे भयभीत पीड़ित बुजुर्ग और उसका बड़ा बेटा और उसकी पत्नी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, लेकिन अधिकारियों के न मिलने पर पीड़ितों को बेरंग लौटना पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन लाल है साहब। किशन लाल कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव मुखराई का हूँ। मुखराई के? हाँ जी जी। जमुनापार रहते हैं हम। जमुनापार रहते हो? हाँ जी हाँ जी। तो क्या शिकायत लेके आए? शिकायत ये साहब, मतलब क्या है, हमारी जमीन हम में साहब मारपिटाई हो रही है, कांता रवि और साहब जी के आंसू और वो पवन, ये 4-5 हो रहा है और एक हितेश, और गाड़ी लेके आए थे लीली गाड़ी पर और हम पे आके वो बैग फाड़ करी, मैं जा पर दोषी पोत फेर करिए काले साहब, क्या हमारी जमीन हम ही पिट रहे हैं साहब। फिर क्या हुआ? मतलब हमारी जमीन आपने 112 पे कॉल किया था? करा था सर, हम ही उल्टे पकड़ लिए। उल्टे पकड़ लिए? उल्टे पकड़ लिए साहब हम। कौन सा थाने में? मैं गोवर्धन थाने में। अच्छा। हाँ जी, कोई सुनवाई नहीं भाई माटो रही, और वो लोटों के चक्कर में भेज भरी कर दिए। ये नाम बताए हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये गांव माँ के मुखराई के। मुखराई के? हाँ जी। क्या चाहते हैं वो? क्या यहाँ चाहते हैं ठाड़ते इनमें पीट पाट के, और जो गोली के बाद बिंदु से ढक भी आए तो ये सर आएंगे तो नहीं तो हमारी जमीन हमको है जाएगी। किस तरह की जमीन है जाएगी हमारी? किसी की जमीन है या कैसी जमीन है? पुरखान की है मेरे इनकी। पुरखान की जमीन? हाँ जी बाबा लाइए सर। अच्छा, कितनी जमीन होगी? ये 9 बीघे है। 9 बीघे है? हाँ जी। और जी इसमें खास लोग हैं, उनके नाम क्या बताए थे आपने? नारायण, मुकेश, आंसू और हित भुका है, कांता, तीन चार। सबने मारपीट भी की? मारपीट करिए, गोल चलाइए साहब, फेल करिए मारे। भगाना चाहते हैं आप? हम हाँ जी, खेत पर नहीं आवे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहें कि मेरी जमीन मुख मिल जाए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। मेरा नाम साहब विनोद शर्मा है। विनोद जी, यहाँ देखा गया है बार बार आते हैं, काफी रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? सर ये इसलिए हताश हो रहे हैं कि 1 साल से ऊपर हो गया और लगभग हमें 50 बार हम आ चुके हैं। हम एसपी सिटी हो, सीएस साहब महोदय हों, या एसएसपी महोदय हों, या आईजी महोदय हों, हम सबसे मिले हैं और सबसे हमें आश्वासन दिया, पर किसी ने हमें न्याय नहीं दिया और न्याय के लिए हमें भटकना पड़ रहा है। हमें हमारे पिताजी से हितेश कुमार और मनोज शर्मा द्वारा 8/7/2022 थाना सदर बाजार में मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसका अपराध संख्या 218/2022 है। मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद 1 साल बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई और कार्रवाई नहीं हुई। हम मुख्यमंत्री के द्वारा प्रथम पत्र दिए, राज्यपाल महोदय को दिए, राष्ट्रपति महोदय जी को दिए, और हमने आईजी साहब से मिले, एसपी साहब महोदय से कम से 50 मिले, पर लेकिन हमको न्याय नहीं मिला। धारा 420, 437, 468, 471, 121 और 406। क्या धोखाधड़ी करी? धोखाधड़ी ये की पापा जी के नाम से ठेकेदारी का लाइसेंस का हम काम करते थे और काम करते आ रहे थे 10 साल से। पापा से बोला कि पापा ठेकेदारी लाइसेंस रिन्यू कराना, चूँकि 2 साल रिन्यू होता है ठेकेदारी लाइसेंस, और ठेकेदारी लाइसेंस को रिन्यू के बहाने, पापा पढ़े नहीं गए थे, अनपढ़ आदमी थे, सीधे आदमी हैं, उनको ये नहीं मालूम क्या है, तो उसके बहाने उसने सारी संपत्ति पे नाम पावर टोनी करा ली, और पावर टोनी कराने के बाद 6 बीघा अपनी पत्नी के नाम कराई, जिसका नाम अंजलि शर्मा है, और 2.5 बीघा राजा कुंड जो खसर नंबर 796/2 वो 6 लोगों के नाम कराई, राजकुमार और उसका नाम दान बिहारी और योगेंद्र, विक्रांत,
दशरथ सिंह नरूका बलबीर, इनके नाम कराई। अगर बात करें तो आपके पिताजी किसकी शिकायत लेकर आए हैं? पिताजी अब शिकायत स्वास्थ्य के लेके आए कि वो जांच चली रही है, दूसरी घटना हमारे साथ हो गई। 18/8/2022 को दिन दोपहर हम अपने खेत पर गए, खेत पर देखा कि हितेश उर्फ मनु शर्मा और अपने 8-10 लोगों को लेकर उसने सबसे पहले जो बोर्ड पर लग रहा था सिविल जूनियर डिवीजन जो उसमें लिख रहा था कोई किसी को बिक्री ना करे, प्रकोप खरीद बिक्रो न करे, उसी जो हमारे सामने बोर्ड उखाड़ दिया और बोला कि सारे गोली मार दो उसमें, और फटाक से उसने मत राकेश और अभिषेक उन्होंने मत फायर किए, और फायर करने के बाद उन्होंने क्या किया, हम हितेश ने मनोज को हितेश मनोज ने पापा जी को पकड़ लिया और मारा पीट करने लगा, हमला करने लगा और भूख सब इकट्ठा करने, हम राधाकुंड चौकी पे गए। बात करें तो जमीन पर भी कोई कार्य किया जा सकता है या क्या किया जा सकता है? वो लोग मतलब हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, जमीन पर क्या इस समय निर्माण किया जा सकता है क्या? नहीं, कोर्ट ने क्या आदेश दिया? कोर्ट ने आदेश दिया है की खेत पर स्टे लगी हुई है, खसा नंबर 796/2/48 और खसा नंबर 10 और खसा नंबर 377 दोनों पर स्टे लगी हुई है। स्टे लगने के बावजूद राधाकुंड चौकी पे गए हम, वहाँ पर हमने बताया तो बोले ऐसे स्टे कागज तो चलते रहते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। जसवंत टेलीकॉम, हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल उचित दर पर रिपेयर किए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की ईयर लीड, चार्जर, स्पीकर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। जसवंत टेलीकॉम आपके विश्वास का नाम, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है हाईवे प्लाजा के सामने मंडी चौराहा मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017। मोटिवेशन 100%, तो क्यों रह जाती है ये मिस 70%? कारण पोषण की कमी, रोज के खाने से मिले सिर्फ 70% तक विटामिन्स और मिनरल्स, बाकी के लिए नया सुप्रीडिन डेली जो दे ज्यादा एनर्जी और इम्यूनिटी। खाने के साथ सुप्रीडिन, यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया। अब टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयां, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। डायमंड जेम्स स्टोन, श्री बांका बिहारी जी की कृपा से पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित राया वालों की दुकान। हमारे यहाँ मोती, मूंगा, नीलम, पुखराज, पन्ना, मानिक, गोमेद आदि रत्न उचित रेट पर उपलब्ध है। ओरिजिनल रत्न मिलने का एकमात्र स्थान विशाल अग्रवाल राया वाले, बंसल कॉम्प्लेक्स, बल्ला गली, कुली गेट, मथुरा। जय श्री कृष्णा, मैं विशाल अग्रवाल राया वाले पुनः आपकी सेवा में ओरिजिनल राशि रत्न लेकर उपस्थित हूँ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जय श्री राधे।